25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले वर्तमान महामहिम रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है, जिसके बाद उनका नया ठिकाना कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के बंगले के पास होने वाला है। जानकारी के मुताबिक 12 जनपद में उनके लिए बंगला अलॉट किया जा चुका है, जिसमें साफ सफाई और रंग रोगन का काम जारी है। वैसे तो हाल ही में सबसे चर्चित और विवादित रहे इस बंगले को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के लिए अलॉट किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अपना आवास कभी बनाया ही नहीं। हालांकि इससे पहले इस बंगले में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 3 दशक जरूर गुजारे। उनकी मौत के बाद उनके बेटे चिराग पासवान इसमें रह रहे थे, लेकिन काफी विवाद के बाद उनसे ये बंगला 30 मार्च 2022 को खाली करवा लिया गया। बहरहाल, अब जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ये बंगला अलॉट हुआ है, तो इसकी साफ सफाई का काम 15 जुलाई तक कंप्लीट करने के मकसद से जारी है। कोविंद यहां अपनी पत्नी के साथ 25 जुलाई को शिफ्ट हो जाएंगे। जानकारी ये भी है कि कोविंद शिफ्ट होने के बाद 15 से 20 दिनों के लिए कानपुर देहात में मौजूद अपने गाँव परखावां भी जा सकते हैं।